हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में GB व्हाट्सएप यूज करते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको GB व्हाट्सएप के चैट रिलेटेड 3 ऐसी जबरदस्त ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। तो दोस्तों जैसे मैं किसी पर्सन की चैट पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो कि चैट दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। इसमें दोस्तों आप मैसेज बॉक्स के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, साथ ही दोस्तों अपनी और सामने वाले मेंबर की DP अपने चैट में शो करवा सकते हो। और दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ब्लू टिक और डबल टिक का स्टाइल भी चेंज दिखेगा। तो दोस्तों कोई भी पर्सन अगर आपकी चैट को देखता है तो वो एक बार में आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों किस तरीके से आप अपने GB व्हाट्सएप में इस तरह की सेटिंग करके अपनी चैट को एक नया लुक दे सकते हो, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हो। दोस्तों हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं अपने GB व्हाट्सएप को नॉर्मल कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने अपने GB व्हाट्सएप की चैट को नॉर्मल कर दिया, यानी कि जब भी आप GB व्हाट्सएप पर अकाउंट क्रिएट करते हो तो उस टाइम बाय डिफॉल्ट जो चैट शो होती है वैसी यहाँ पर शो हो रही है। तो किस तरह आप अपने GB व्हाट्सएप में सेटिंग करके अपनी चैट को एक नया लुक दे सकते हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, GB सेटिंग में जाना हो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चैट स्क्रीन का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बबल एंड टिक वाले ऑप्शन में चले जाना, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले जो सेटिंग देखने को मिलेगी टिक स्टाइल की, तो दोस्तों अगर आप ब्लू टिक और सेकंड टिक के स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो नॉर्मली आपको टिक स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल देखने को मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हो कि आपको जो भी स्टाइल पसंद है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल जैसे मैं एक ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको नए हार्ट करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मैं जैसे टिक स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर नए हार्ट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे मैं नए हार्ट वाले ऑप्शन को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का यहाँ पर ब्लू टिक शो होगा। मैं आपको बैक चल के बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं किसी पर्सन की चैट पर क्लिक करता हूँ, यानी कि मैं माई जान की चैट पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का ब्लू टिक और सेकेंड टिक शो होगा। इसके साथ ही दोस्तों आप अगर मैसेज बॉक्स के स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, सो गाइस इसके लिए भी आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करके GB सेटिंग में जाना, और यहाँ पर आपको चैट स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको बबल एंड टिक वाले ऑप्शन में चले जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बबल्स स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर अमोर करके स्टाइल को यहाँ से चूज कर लेता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का मेरे जो है GB व्हाट्सएप में मैसेज बॉक्स का स्टाइल शो होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, तो दोस्तों आप इस लाइन को इंक्रीज या डिक्रीज करके जो मैसेज टेक्स्ट साइज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि जैसे हम यहाँ पर बैक आते हैं, इसके बाद दोस्तों जैसे मैं माई जान की चैट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ भी मैसेज करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैसेज बॉक्स का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने GB व्हाट्सएप में मैसेज बॉक्स के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप अपनी और सामने वाले मेंबर की DP अपनी चैट में शो करवाना चाहते हो, यानी कि अगर सामने वाला मेंबर आपको मैसेज करता है तो उसकी DP यहाँ पर शो होगी, और अगर आप उसको मैसेज करते हो तो आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर शो होगी, तो किस तरह आप अपने चैट में अपनी और सामने वाले मेंबर की प्रोफाइल शो करवा सकते हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, GB सेटिंग में जाना, और यहाँ पर आपको चैट स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पिक्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, चैट कॉन्टेक्ट पीस और चैट माई पीस। तो दोस्तों अगर आप सामने वाला मेंबर की DP अपनी चैट में शो करवाना चाहते हो तो आप यहां से पहले वाले ऑप्शन को अनेबल कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप अपनी भी DP अपनी चैट में शो करवाना चाहते हो तो आपको यहां पर सेकंड वाले ऑप्शन को भी अनेबल कर देना है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप ग्रुप में भी इस तरह की सेटिंग करना चाहते हो, यानी कि कोई भी पर्सन अगर ग्रुप में मैसेज करता है तो उसकी DP जो उसके मैसेज बॉक्स के पास शो हो, तो आप इन दोनों सेटिंग को यहाँ से अनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप इन दोनों ऑप्शन को अनेबल कर देते हो तो ग्रुप में भी आपकी और सामने वाले मेंबर की DP शो होने लग जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक चले जाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही किसी भी पर्सन की चैट पे क्लिक करते हो, जैसे मैं यहाँ पर एक जैसे चैट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी मैसेज करता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी और सामने वाले मेंबर की DP यहाँ पर शो होने लग जाएगी। इसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर माई जान पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ भी मैसेज करता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरी DP यहाँ पर शो होने लग जाएगी और माई जान की जो DP है यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी और सामने वाले मेंबर की DP जो है अपनी चैट में शो करवा सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो कि आपकी चैट जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने GB व्हाट्सएप में 3 चैट रिलेटेड सेटिंग करके अपनी चैट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो।